सभी को नमस्कार। मैं आपका उपेंद्र अनमोल। पिछले कई दिनों से बहुत सारे विद्यार्थी, बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे थे कि सर, प्रीलिम्स का एग्ज़ाम आ गया है और पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, क्या किया जाए? एग्ज़ाम को छोड़ दिया जाए या जो है कैसे किया जाए? तो देखिए, मेरा आप सभी लोगों को कहना है कि यह एक बहुत सामान्य सी बात है। जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आता है, कई बार जानते हैं मन स्थिति प्रभावित होती है और अधिकतर विद्यार्थी प्रेशर में आ जाते हैं। लगभग सभी विद्यार्थी प्रेशर में आ जाते हैं, और जब प्रेशर में आ जाते हैं आप, तो ये लगने लगता है कि आपने आज तक जो पढ़ा है वह कुछ भी नहीं है। दो चार प्रश्न गलत होते हैं टेस्ट पेपर में तो आपको लगने लगता है कि आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है। आप जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि अभी जल्दी ही IAS का प्रीलिम्स एग्ज़ाम आने वाला है UPSC का, और कई सारे स्टेट PCS के भी प्रीलिम्स एग्ज़ाम आने वाले हैं। तो उसी के संदर्भ में मैं आप लोगों को कुछ मैसेज देना चाहता हूं और कुछ बातचीत करना चाहता हूं, ताकि आप जानते हैं इन सारी बातचीत के माध्यम से ऐसे सारे विषयों को समझ करके अपने मन स्थिति को ढालें, अपने जानते दिनचर्या को ढालें और अपने पूरे जो है डिसीज़न को राइट करने का प्रयास करें। देखिए, चाहे वो कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जैसे ही एग्ज़ाम की डेट आती है, जैसे प्रीलिम्स की एग्ज़ाम की डेट आती है या मेंस के एग्ज़ाम की डेट आती है, तो एग्ज़ाम के आने के लगभग एक महीने पहले से ही अक्सर विद्यार्थियों में यह देखा जाता है कि अब जो मैंने पढ़ा था वो सब गायब होने लगा है, या जो है मैं जैसा चाहता था वैसी तैयारी नहीं हो पाई है, क्यों ना इस प्रीलिम्स एग्ज़ाम को छोड़ दिया जाए, क्यों ना जो है अगला अटेम्प्ट लिया जाए। तो मेरा आप सभी लोगों को कहना है कि ऐसा बिल्कुल नहीं सोचें, क्योंकि जानते हैं यह एक सामान्य सी बात है। आपको अपने मन स्थिति को बनाए रखना होगा, या जानते हैं पुनः मन स्थिति को रीऑर्गेनाइज करना होगा, अपने आप को पुनः रीस्टार्ट करना होगा, क्योंकि आपने बरसों से जो पढ़ाई किया है, 2-3 साल से जो आपने पढ़ाई किया है या 1 साल से जो आपने पढ़ाई किया है, वह आपके काम आएगी, लेकिन प्रेशर में आ जाएंगे तो वह समझ भी जानते हैं आपके काम नहीं आ पाएगी। 1-2 महीने के दौरान कोई भी तैयारी नहीं होती। अगर आप बहुत अटेंटिव भी रहते और अगर आप बहुत अच्छे से भी अपनी तैयारी करते, तब भी 1-2 महीने के दौरान आप अपनी पढ़ाई को कोई फाइनल शेप नहीं दे पाते। लास्ट का जो 1-1.5 महीने का समय होता है वो फिनिशिंग टच के लिए होता है, कि आपने जो कुछ भी पढ़ाई की है उसके लिए आप उसको फाइनल टच दे ले जाइए, अर्थात उसको रिवाइज कर लीजिए, और रिवाइज करने के बाद जानते हैं जो UPSC के द्वारा या स्टेट PCS में जो आयोग के द्वारा जो प्रश्न पूछे गए हैं पिछले 7-8 वर्षों को, सिर्फ उनको रिवाइज करना होता है, या कुछ ऐसे टॉपिक जिसमें आपकी पकड़ अच्छी रही है लेकिन जानते हैं कुछ दिनों से जिसे आप रिवाइज नहीं कर पाए हैं, उनको पढ़ना होता है। लास्ट के 1-1.5 महीने में उन विषयों को नहीं पढ़ना होता है जो बिल्कुल नए हो। इसलिए आप जानते हैं, नए चीज़ को बिल्कुल ना पढ़ें, किसी मैगज़ीन को ना पढ़ें, किसी नई बुक को ना पढ़ें, किसी नए नोट्स को ना पढ़ें, बल्कि जो कुछ भी आपने पढ़ा है वहीं से जानते हैं आप अपने जो है रिवीजन को शुरू करें, वहीं से जानते हैं उसी में अपनी मन स्थिति को बेहतर करने का प्रयास करें, उसी में अपने आप को रीस्टार्ट करें, उसी में अपनी कंसिस्टेंसी लाएं, और जानते हैं माहौल को अनुकूल बना करके रखें। जब तक जानते इन सभी चीज़ों पे आपका ध्यान नहीं जाएगा, निश्चित रूप से जानते हैं आपके लिए चुनौतियाँ बढ़ती जाएंगी और ऐसा हमेशा लगता जाएगा कि आप जानते तैयार नहीं हैं। कोई जानते विजेता होने के लिए कुछ नया नहीं करना पड़ता है, बल्कि जो चीज़ें आप कर रहे हैं उसी में विशेष दृष्टि रखनी होती है। इसलिए विजेता बनने की दृष्टि उत्पन्न कीजिए और प्रेशर में आकर के जानते हैं अपने पूरे कार्यक्रम को प्रभावित नहीं करिए।
लास्ट मोमेंट पे अपनी पढ़ाई को बहुत ज़्यादा भी करने की आवश्यकता नहीं है। ये नहीं कि आप जो है पहले से 8-10 घंटे की पढ़ाई कर रहे थे तो आप जो है पूरी रात रात जग करके रिवाइज़ करिए, आपकी तबीयत ख़राब हो जाएगी, आपका स्वास्थ्य प्रभावित हो जाएगा। बल्कि आप पढ़ाई को कम करिए। अगर आप 8-10 घंटे पढ़ाई करते थे तो आप 7-8 घंटे की ही पढ़ाई करिए, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे अपने स्वास्थ्य को बेहतर रखना होता है, अपने मन स्थिति को बेहतर रखना होता है और अपने मेंटल मेकअप को बनाकर रखने की आवश्यकता होती है। क्योंकि जो अंतिम समय किसी भी जानते हैं संघर्ष का होता है, किसी भी विजय का होता है, उसमें जो है संतुलन बना करके रखना, मानसिक संतुलन बना करके रखना बहुत ज़रूरी है। इसलिए जानते इस विषय पर आप विशेष रूप से ध्यान दें। बहुत बड़े विचारक कैल्विन कूलिज थे, उन्होंने कहा था विजेता कौन होता है। उन्होंने बताया कि विजेता वो होता है जो अपनी कमजोरियों को जानते हुए अपने मजबूती पर फोकस करता है, और हारने वाला कौन होता है जो अपनी मजबूती को भी जानते हुए अपनी कमजोरियों पर फोकस करता है। अर्थात विनर्स आर दोज पर्सन हु रिकग्नाइज देयर लिमिटेशन बट फोकस ऑन देयर स्ट्रेंथ, बट द लूजर्स आर द पर्सन हु नो देयर स्ट्रेंथ बट फोकस ऑन देयर लिमिटेशंस। अतः आप अपनी मजबूती पर फोकस करिए। और आपकी इस समय मजबूती क्या है, लास्ट मोमेंट पे मजबूती क्या है, अपने मन स्थिति को बेहतर ढंग से बनाए रखना और माहौल को अनुकूल बनाए रखना, स्वास्थ्य को अनुकूल बनाए रखना, और केवल उन्हीं चीज़ों को पढ़ना जो अब तक आप पढ़ चुके हैं। किसी भी नए चीज़ से, नए विषय से नहीं जुड़ना। ज्ञानम परम बलम, ज्ञान बहुत बड़ा बल है, लेकिन ज्ञान का जो बल है उसका कैसे उपयोग किया जाए, जब तक यह नहीं सीखेंगे, जब तक इसको नहीं जानेंगे, निश्चित रूप से आप अपनी पूरी क्षमता का लाभ नहीं उठा पाएंगे। अतः आप अपना मेंटल मेकअप करिए, मेंटल डिस्पोजिशन करिए, मन स्थिति को दोबारा बनाइए, निश्चित रूप से आप सफलता आपके लिए बहुत सहज हो जाएगी। और जानते हैं आप जो कुछ भी चाहेंगे, जैसा चाहेंगे वैसा परिणाम आपको प्राप्त होगा। देखिए कुछ चीज़ों को ध्यान रखना आपके लिए आवश्यक है। जैसे जब प्रीलिम्स का एग्ज़ाम या मेंस का एग्ज़ाम आ जाता है तो सबसे पहले अपने स्वास्थ्य को बेहतर बना करके रखें। इसलिए जानते हैं कोशिश करें जल्दी सो जाएं और जल्दी उठें। रात में 12 बजे तक ज़रूर सो जाएं और सुबह 6-6:30 बजे तक ज़रूर उठ जाएं, क्योंकि आपका एग्ज़ाम 9:30 से होता है। तो ऐसी स्थिति में आप जानते हैं कम से कम 2.5-3 घंटे पहले उठ जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि जब व्यक्ति सुबह उठता है तो उठने के 2.5 घंटे बाद उसका दिमाग एक्टिव होता है, बहुत अच्छे ढंग से कार्य करता है। चूँकि सिविल सेवाओं में जितने भी एग्ज़ाम होते हैं वो सब 9 बजे या 9:30 बजे के आसपास होते हैं, ऐसी स्थिति में आप 6-6:30 बजे उठने की अपनी आदत डालिए और जल्दी सोने 11 से लेकर के 12 बजे तक आप ज़रूर सो जाएं। तो पहला तो अपनी दिनचर्या को ये करेक्ट करें। दूसरा, सुबह उठें तो आप जानते 1-2 किलोमीटर चलें या तेज़ दौड़ें। इसके बाद जो है जब आप लौट के आएँ थोड़ा पानी पिएँ और अपने को रिफ़्रेश करें। रिफ़्रेश करने के बाद जानते रिवीजन को स्टार्ट कर दें। उन चीज़ों का रिवीजन करें जो आपने पिछले दिन पढ़े, मतलब जैसे आज आपने सुबह की दिनचर्या शुरू की तो कल जो आपने कुछ पढ़ा है उसको फटाफट रिवाइज़ कर लें। कोशिश करें अपने शरीर को एल्कलाइन रखें, कोई एसिडिक चीज़ ना खाएं, क्योंकि जब कोई खट्टी चीज़ खाएंगे, जब कोई एसिडिक चीज़ आप खाएंगे या कोई जानते फास्ट फूड खाएंगे या जानते कोई जंक फूड खाएंगे तो आपकी बॉडी एसिडिक होगी, और एसिडिक होने से जो न्यूरॉन है मस्तिष्क के वो प्रभावित होते हैं, जिसके नाते भूलने लगता है व्यक्ति, और विद्यार्थियों में भूलने की प्रवृत्ति पाई जाती है। इस नाते अपने शरीर को और उसके जानते माध्यम को एल्कलाइन रखने का प्रयास करें। चौथी महत्वपूर्ण बात है कि अपने आप अपने मन स्थिति को बनाए रखें, अपने मेंटल मेकअप को बनाए रखें, क्योंकि जानते हैं भटकाने से, दबाव में आने से मस्तिष्क और उसकी चेतना जानते प्रभावित होती है और आप उन चीज़ों में चले जाते हैं जो आप नहीं करना चाहते हैं।
लेकिन जानते हैं जब अपने आप को रीऑर्गेनाइज करेंगे, अपने आप को रीस्टार्ट करेंगे, तो निश्चित रूप से आपके अंदर कंसिस्टेंसी आएगी और जानते हैं डिटर्मिनेशन आएगा। एक बहुत महान विद्वान थे यूरोप के, उन्होंने कहा था परसिस्टेंस एंड डिटर्मिनेशन आर एलोन ओमनीपोटेंट। लगातार लगे रहना और दृढ़ निश्चय जानते किसी भी सफलता का केंद्र बिंदु है। अतः ऐसी स्थिति में जानते हैं आप इस चीज़ को ध्यान रखें। लास्ट बात जो मुझे आपको बतानी है वो ये है कि जब भी आपका मन ना लगे तो अपने मन को कैसे लगाएं। देखिए आपकी मन स्थिति जो है, आपकी जो चेतना है, जो आपका कॉन्सियसनेस है, उसको रीस्टार्ट करना पड़ता है उसी फ्रीक्वेंसी पर, उसी लेवल पे। बहुत वैज्ञानिक बात है। जैसे आपका पढ़ाई में मन ना लगे तो कोई जानते प्रेरक जो है, कोई कथन पढ़ें, कोई प्रेरक जानते हैं, कोई कहानी जो है उसको याद करें जो आपने लिख रखा है अपनी डायरी में, या जिसे जानते हैं आपने समझ रखा है, सुन रखा है, किसी के संघर्ष के बारे में याद करें, और साथ ही साथ जानते हैं कोई ऐसा रोचक गाना, प्रेरित करने वाला कोई मूवी का गाना भी, कोई पुराने गाने भी, और कोई जानते हैं ऐसी चीज़ों को सुने। जब आप ऐसी चीज़ों को सुनते हैं तो आपकी चेतना पुनः स्टार्ट होने लगती है, रीस्टार्ट होने लगती है, और आप जो है आपका मस्तिष्क सक्रिय हो जाता है। इसलिए अगर आपका पढ़ाई में मन ना लगे तो आप कोई गाना सुन लें, कोई जानते प्रेरक कथन पढ़ लें, कोई प्रेरक कहानी पढ़ लें, और अपने मन स्थिति को उस फ्रीक्वेंसी पर ले आएं, तो आप देखेंगे कि पुनः जानते पढ़ाई में आपका मन लगने लगेगा और आप उस जानते लेवल पर पढ़ने और समझने लगेंगे जिससे आपका आत्मविश्वास बनने लगेगा, और आत्मविश्वास जिसका बन गया, जिसका आत्मविश्वास और आत्मबल बढ़ गया, उसके लिए कोई भी सफलता बहुत ही आसान है। वह हर जानते हैं परीक्षा और हर जानते संघर्ष को पार करेगा और अंततः उसका पताका फहराएगा, उसकी विजय सुनिश्चित होगी। तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि निश्चित रूप से प्रेशर में ना आएं और इसी तरीके से जानते अपनी दिनचर्या को फॉलो करें और जानते हैं अपनी सफलता को हर स्थिति में सुनिश्चित करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।